अलैकुम। आज मैं आपको गाड़ी दिखाना चाह रहा हूँ, वो है एक लाफरारी। लाफरारी आई थी 2013 में। तो पहले मैं इसके थोड़े से इंजन के बारे में आपको बताता हूँ। इसके इंजन है 6300 cc 12 सिलेंडर इंजन, जो कि तकरीबन 800 हॉर्स पावर बनाता है। मगर इसमें क्योंकि ये फरारी की पहली हाइब्रिड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स भी हैं। तो इन दोनों मोटर्स और इंजन को कंबाइन करें तो ये बनाती है 960 हॉर्स पावर। आप देख सकते हैं ये खड़ी हुई है वीआईपी मोटर्स में। तो वीआईपी मोटर्स को एक स्पेशल थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस गाड़ी को वीडियो बनाने के लिए। ये इसका फ्रंट इंजन है, ये बिल्कुल फॉर्मूला वन स्टाइल की नोज़ है इसकी, थोड़ी सी एरोडायनामिक्स के लिए। ये आप देख सकते हैं फ्रंट में इसके जो फ्लैप्स हैं, ये हवा अंदर जाने के लिए। मैं आपको फिर इसका थोड़ा सा और साइड व्यू और इंटीरियर दिखाता हूँ। अगर हम साइड में आते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका एयर इंटेक। ये डायरेक्ट हवा जो है फ्रंट की व्हील से निकलती है यहाँ से और डायरेक्ट जाती है यहाँ इंजन में। अगर हम यहाँ ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है एक एयर इंटेक है हवा अंदर आने के लिए। ये है, ये जो एयर इंटेक है ये हवा बाहर निकलता है इंजन में से। और यहाँ पीछे भी अगर आप देखें तो फुल ग्रिल आपको नजर आएगी। ये इसका जो ज़मीन पर रखा हुआ है, ये इसका इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम है। अच्छा, गाड़ी के जो एरोडायनामिक्स हैं वो ये फ्लैप्स हैं ये यहाँ और गाड़ी के नीचे हैं आगे की तरफ, वो कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं सारे। तो ये जो है हाई स्पीड में जो है ये खुद ही कंट्रोल होते हैं कंप्यूटर से, किस कंप्यूटर से जो कि सब सिस्टम चलाते हैं पूरा। और यहाँ पर जब ये जो हिस्सा है इसका ये बाहर निकलाता है जब ये गाड़ी तेज चल रही थी स्पॉइलर के तौर पे, और ये एयर ब्रेक खड़ा भी हो जाता है जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। तो ये एयर ब्रेक है इसका, और ये रुकावट बनता है गाड़ी के लिए जब गाड़ी तेज स्पीड पे हो, इसको रुकने में काम आता है। तो अब थोड़ा सा इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं फुल कार्बन फाइबर इंटीरियर है इसका, जिसमें कोई ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये सिर्फ भगाने के लिए बनाई है गाड़ी। इसमें वो हैं ज़रूर, कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा है उसमें, वो है अभी याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, इसमें कोई साउंड सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ नेविगेशन है तो एसी है, बस सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई और खासियत नहीं ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। यहाँ फ्रंट में आ जाए तो आपको यहाँ इसके फैंस नज़र आएंगे, ये चलते हैं ताकि गाड़ी की जो नोज़ है जो आगे का हिस्सा है वो दबा के रखें रोड पर ताकि स्टीयरिंग लूज़ ना हो। अच्छा, ये है तो हाइब्रिड, मगर फरारी कहते हैं कि इसको आप जो है नॉर्मल हाइब्रिड की तरह नहीं चला सकते इलेक्ट्रिक मोड में, जैसे आप P1 या 9 मिनट चला सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भगाने के लिए बनी है। और ये दोनों मोटरें जो है इंजन और पेट्रोल, सॉरी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं ऑल द टाइम, कभी जो आप स्विच नहीं कर सकते इसमें कि आप सिर्फ इसको इलेक्ट्रिक पर चलाएँ। ये है लाफरारी। मैं इस तरह की और वीडियोस भी डालते रहूँगा, और आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा आप लोग किस तरह की वीडियोस पसंद है, मैं और अपडेट करते रहूँगा। ये है पूरी गाड़ी, काफ़ी लंबी है, फ़ोटोज़ में शायद इतना पता नहीं चलता, मगर ये काफ़ी बड़ी है, लंबी गाड़ी है, बहुत स्लीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।